ये है गाइस आईफोन 14। अगर आप प्लान करो 2024 के लिए आईफोन 14 लेने का, तो क्या लेना सही रहेगा 2024 में या फिर नहीं? आईफोन 14 मैंने काफी टाइम तक यूज किया है और आईफोन 13 भी यूज किया है। आईफोन 13 के साथ में थोड़ा कंपेयर करके आपको बताऊंगा, और आईफोन 15 भी है हमारे पास, तो वो भी हमने यूज किया है। तो क्या आईफोन 14 सही रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ मैं आपके इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइस की तरफ नजर डालें तो अभी ये फोन एप्पल की वेबसाइट के ऊपर 69,900 का मिल रहा है और अमेजोन पर 65,999 का मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपके पास HDFC बैंक का मिलीनियर कार्ड है तो वहां पर 4,000 का कैशबैक मिल रहा है आईफोन 14 के ऊपर। और मेरे पास भी है कार्ड, अगर आपने बनवाना है वो कार्ड तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर लेना और काफी फायदा रहेगा। एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत तगड़े ऑफर्स आते रहते हैं, तो अभी के हिसाब से सारे डिस्काउंट लगा के अगर मैं मान के चलूं तो 62,000 का हमें आईफोन 14 देखने को मिल रहा है। और बाकी सब की एंड की सेल आती है ना, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डे सेल, उस टाइम पर ये 50,000 के आसपास मिलेगा। बट आपको बताइए, हर बार प्रॉब्लम होती है स्टॉक की, जो कस्टमर्स लकी रहते हैं ना उन्हें फोन मिलता है, तो वो भी एक पॉइंट है, मैटर करता है। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया आईफोन 14 लेने का, तो काफी सारे बातें हैं जो कि आपको इस फोन के बारे में पता होने चाहिए। अब इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी में इस फोन में एल्युमिनियम की फ्रेम इन्होंने यूज किया, काफी सॉलिड है। बट हाँ, अगर आप बिना केस के यूज करोगे, अगर फोन गिर गया तो स्क्रैचेस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत डेंट भी पड़ जाता है, उतने भी ज्यादा सॉलिड नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम यूज नहीं किया है। बट हाँ, फिनिश काफी बढ़िया है, इन हैंड फील काफी बढ़िया है इसका, और बैक और फ्रंट साइड में दोनों में ग्लास यूज किया है, काफी प्रीमियम लगता है ये फोन। बट हाँ गाइस, एक बात का आपने ध्यान रखना है, इसके डिस्प्ले को सॉलिड बनाने के लिए एप्पल ने सेरेमिक शील्ड यूज किया है, काफी सॉलिड है, अगर आपका फोन नीचे गिर भी जाता है ना सेफ रहता है। बट एक दिक्कत है, स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं तो इस फोन को बिना टेम्पर्ड ग्लास के यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से, तो हाँ थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ गए, लगाना पड़ेगा भाई टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर, अदरवाइज फोन उतना अच्छा लगता नहीं है बाद में। और बैक साइड ग्लास की है, तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है, अगर आप डार्क कलर में कोई आईफोन 14 लेते हो तो वहां पर फिंगरप्रिंट्स ज्यादा दिखाई देते हैं। लाइट कलर में जैसे ये व्हाइट कलर है, तो इसमें फिंगरप्रिंट्स उतने विजिबल नहीं होते। अगर आप आईफोन 15 सीरीज की तरफ जाते हो ना, तो वहां पर मैट फिनिश की बैक साइड देके रखी है भाई, नो फिंगरप्रिंट्स और बेस्ट लगता है भाई वो। और इन सब के अलावा बिल्ड क्वालिटी में बात करें तो ये फोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है, और हमने काफी सारे आईफोन का बॉर्डर टेस्ट किया है भाई, ये आईफोन खराब नहीं होते इजिली पानी से। आईफोन 14 को भी आप 6 मीटर डीप लेके जा सकते हो अगर पानी क्लियर है तो, 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, ये एप्पल क्लेम करता है। और हमने बहुत सारे आईफोन का बॉर्डर टेस्ट किया है, आप वीडियोस देख सकते हो चैनल के ऊपर है। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी में भाई जिस प्राइस में मिल रहा है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल फोन है। बट हाँ, एक बात है, देखने में आईफोन 13 और 14 दोनों सेम ही लगते हैं, कुछ पता नहीं लगता कि आपके पास आईफोन 13 या फिर 14 है, तो यहाँ पर ये एक बात है, और 13 और 14 में कुछ मेजर डिफरेंस है भी नहीं, आपको बताऊंगा आगे अच्छे से। अब गाइस डिस्प्ले की बात करते हैं, इस फोन में 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देके रखी है, जो कि आईफोन 13 में भी देखने को मिलती है और आईफोन 15 में भी देखने को मिलती है। पर 15 जो है ना, उसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वहां पर डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है और पीक ब्राइटनेस आउटडोर में वहां पर 2000 है। बट इसमें आईफोन 15 वाले लेवल की डिस्प्ले नहीं है, बट आईफोन 13 और 14 के डिस्प्ले में डिफरेंस आपको नजर में नहीं आएगा, ब्राइटनेस में भी कोई फर्क नहीं है, टिपिकल 800 ब्राइटनेस निट्स है और HDR में पीक ब्राइटनेस 1200 की है, और 13 में भी सेम है, 14 में भी सेम है, डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर भाई आप आईफोन 13 लेके अपना पैसा बचा भी सकते हो। हैप्टिक टच फीडबैक आपको इस फोन में मिलता है, आईफोन 13 में मिलता है, और आईफोन 14 की डिस्प्ले बहुत बढ़िया मक्खन की तरह चलती है, बाकी नॉच का साइज भी यहाँ पर छोटा है, ये आप देख सकते हो, ये काफी बढ़िया लगता है। और इसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फोन के डिस्प्ले के साथ में, मुझे एक ही चीज है जो कि मुझे फील होती है इस फोन में, जो कि है रिफ्रेश रेट, क्योंकि मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स भी यूज करता हूँ और आईफोन 15 प्रो भी मैं यूज करता हूँ, इनमें देके रखे है 120Hz का रिफ्रेश रेट और इसमें सिर्फ 60Hz का देके रखा है, 90Hz भी नहीं है, तो यहाँ पर फील होता है 60Hz स्मूथ है इस फोन के लिए, क्योंकि UI काफी ऑप्टिमाइज, काफी अच्छे से एक्सपीरियंस मिलता है। बट जब गेमिंग की बात आती है या फिर जब आप कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर फील होता है थोड़ा सा, तो ये आप थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। अब गाइस मैं बैटरी बैकअप की बात करूं, एक दिन बहुत आराम से निकाल के दे देता है, एक दिन से ज्यादा भी निकाल के दे देता है अगर आप बहुत ही नॉर्मल यूज करते हो, जैसे कॉलिंग होगी या फिर छोटी मोटी गेम्स खेली, इंस्टा चला लिया, यूट्यूब पर वीडियोस देख ली, तब बैटरी बैकअप आपका एक दिन का निकल जाता है। अगर आप हैवी यूज करते हो, इंस्टाग्राम भी बहुत ज्यादा देर तक यूज करते हो, यूट्यूब पर वीडियो ज्यादा देर तक देखते हो और गेमिंग भी करते हो बीच में, जैसे गेम खेलते हो, तब इसका बैटरी बैकअप आप मान के चलो कि 5 to 6 आवर का ये निकाल के देगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि फोन मेरा बैटरी बैकअप निकाल के नहीं दे रहा है ना, तो काफी सारी आईफोन में ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो कि बेमतलब में ऑन रहती है, आपको कोई यूज ही नहीं होता है उनका, और उनकी वजह से बैटरी जो है ना वो यूज होती है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक पार्ट वन है, पार्ट टू भी मैं लेके आऊंगा, तो पार्ट वन आप देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपके आईफोन का बैटरी बैकअप 30-40% तक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स ऐसे ऑन रहती है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कैसे निकाल के देता है। देखो परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है इस फोन
फोन को लेकर थोड़े बहुत बग ग्लिचेस कभी कभी आ जाते हैं, जो कि आईफोन 15 सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं, अपडेट्स के साथ में फिक्स भी हो जाते हैं, बट परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलता है। अगर आप वीडियो एडिट भी करते हो इसमें, जैसे VN एडिटर हो गया, फिर कोई भी ऐप यूज करते हो, वीडियो रेंडर करते हो, काफी फास्ट रेंडर कर देता है, स्पीड काफी बढ़िया है। आईफोन 15 के साथ में मैंने कंपेयर किया था, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-5 सेकंड का फर्क रहता है अगर कोई वीडियो हम रेंडर करते हैं, तो यहाँ परफॉर्मेंस में काफी बढ़िया है ये। और आईफोन 13 के साथ में अगर कंपेयर करो ना, यहाँ पर भाई सेम ही चिप इन्होंने यूज की है, A15 एप्पल की चिप इन्होंने यूज की है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है आईफोन 13 में भी, आईफोन 14 में भी। और अगर आप आईफोन 15 की तरफ जाते हैं ना, तो A16 चिप है जो कि ऑप्टिमाइज ज्यादा अच्छी है और परफॉर्मेंस के मामले में 13 और 14 की तरह ही है। तो यहाँ पर अब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, तो गाइस इसमें BGMI गेम खेली है ना मैंने, बहुत स्मूथ चलती है, टच रिस्पॉन्स काफी बढ़िया रहता है इस फोन का, जायरो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इवन गाइस मैंने आईफोन 15 प्रो के साथ में भी कंपेयर की थी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, तो आईफोन 14 थोड़ा पहले गेम को लॉन्च कर देता है आईफोन 15 प्रो से, ये काफी इंप्रेसिंग था। बट हाँ, एक दिक्कत है इस फोन में, अगर आप गेमिंग ज्यादा देर तक करते हो ना, जैसे 1 आवर के आसपास कर रहे हो, फिर उससे भी ज्यादा तक आप नॉन स्टॉप गेमिंग कर रहे हो, तो फोन जो है ना वो बैक साइड से हीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके इसकी डिस्प्ले भी हीट हो जाती है, फिर ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है, ये एक इशू है। और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है बट ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है, अगर आप फुल ब्राइटनेस पर गेम खेलोगे तब ज्यादा जल्दी फोन हीट होता है और ब्राइटनेस भी जल्दी कम होती है, और बैटरी बैकअप भी फिर उस हिसाब से जल्दी कम हो जाता है। अगर आप बीजे में जैसे गेम खेल रहे हो ना, परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया है, 60 FPS तक आप खेल सकते हो, प्रोसेसर कैपेबल है वैसे इसका 90 FPS तक के लिए, बट हाँ डिस्प्ले 60Hz की है तो आपको फील भी नहीं आएगा और सेटिंग्स में भी शो नहीं होता है 90 FPS। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। कैमरा भाई आप सभी एक्साइटेड रहते हो, तो यहाँ पर आईफोन 13 और 14 के कैमरे में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर बैक साइड में 2 कैमरे हैं, फ्रंट में 1 कैमरा है, सभी 12 MP के हैं। कैमरा में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, आईफोन 13 में 1.6 का अपर्चर देखने को मिलता है और आईफोन 14 में 1.5 का अपर्चर देखने को मिलता है, तो जो लो लाइट परफॉर्मेंस है ना वो हल्की सी बेटर है आईफोन 14 के आईफोन 13 के कंपैरिजन। और आईफोन 15 की बात करूं तो वहां पर 48 MP का सेंसर दे के रखा है, तो वो तो भाई ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वहां पर काफी तगड़ा अपग्रेड है। और अल्ट्रा वाइड लेंस 13 और 14 का वो भी बिल्कुल सेम है, फ्रंट कैमरा भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, कैमरा में अभी मैं आपको कुछ फोटो वीडियो सैंपल दिखा देता हूं आईफोन 14 के। आईफोन 14 में एक अच्छी बात है, आप सिनेमैटिक में 4K में वीडियो बना सकते हो और 13 में नहीं बना सकते हो। और एक और एडवांटेज आईफोन 14 में जो कि 13 में नहीं है, आईफोन 14 में एक अलग से फोटोनिक इंजन दे के रखा है जो कि फोटोज की क्लैरिटी और इन सबको एनहांस करता है, काफी बढ़िया फोटो आते हैं। अब कुछ फोटो सैंपल दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो सैंपल भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये गाइस अभी मैं आईफोन 14 के फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ इंडोर स्टूडियो लाइट में, आउटडोर भी जाएंगे हम, बाकी माइक भी इसका यूज हो रहा है और ये तो कैमरा के साथ कनेक्ट है ये वाला माइक, बाकी आप देख सकते हो कैसी आउटपुट आ रही है। एक बार सिनेमैटिक भी ट्राई करते हैं, ये आ गया गाइस सिनेमैटिक मोड और 4K में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी देख सकते हो ब्लर वगैरह तो बढ़िया कर रहा है भाई सिनेमैटिक में, अच्छा फील है। अभी चलते हैं आउटडोर। तो गाइस अभी मैं बाहर आ गया, सनलाइट पड़ रही है मेरे मुंह के ऊपर और अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 FPS। और अभी आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ मैं, गाइस नज़ारे बना हुआ बॉक्सर भाई सिखाओ कोई इसे। और ये भाई अभी मैं इसके मेन कैमरे से शूट कर रहा हूँ वीडियो और मैक्स जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर बहुत सारे पैरेट्स हैं। 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3x तक ही मैक्स जूम हो रहा है, और अगर मैं HD में रिकॉर्ड करूँ ना वीडियो तो एक अलग से एडवांटेज है। अभी अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं अल्ट्रा वाइड से 1x में जूम कर सकता हूँ, अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकता हूँ, ये एक एडवांटेज है HD में। पर जब आप 4K में शूट करते हो ना तब आप अल्ट्रा वाइड में स्विच नहीं कर सकते मेन कैमरा। अभी गाइस एक्शन मोड ऑन करते हैं क्योंकि इसमें एक्शन मोड है, आईफोन 13 में एक्शन मोड नहीं है, देखते हैं स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसी है इसकी स्टेबलाइजेशन। और ये गाइस अल्ट्रा वाइड है और एक्शन मोड ऑन है काफी मैं तो फोन के हिला रहा हूँ ये तो पागल हो गया लड़का। तो फिर गाइस कैमरा तो मुझे काफी बढ़िया लगा इसका, आईफोन 13 और 14 के कैमरा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आउटपुट भी सेम ही आते हैं, बट हाँ इसमें एक्शन मोड है, सिनेमैटिक मोड 4K में है, बाकी बहुत सारे फीचर हैं जो कि 13 14 में आपको सेम ही मिलेंगे, जैसे ऑडियो जूम हो गया, स्टीरियो रिकॉर्डिंग होगी, नाइट मोड हो गया, ये सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा 13 14 में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस कैमरा में। और सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ 14 में एक एडवांटेज है, क्रैश डिटेक्शन फीचर मिल जाता है इसमें, 13 में नहीं है, इमरजेंसी SOS दोनों में देकर रखा है। और बाकी नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वाईफाई
6 दोनों में दे रखा है, बट हाँ ब्लूटूथ में 5.0 यूज करता है iPhone 13 में, और 14 में 5.3 यूज किया है, ये ज्यादा बढ़िया है कनेक्टिविटी में। और दोनों फोन हमारे 5G है, वाईफाई कॉलिंग दोनों में चलती है, ये छोटा सा डिफरेंस था वो बता दिया मैंने। और फेस आईडी 13 में भी मिलेगी, 14 में भी मिलेगी, स्पीड सेम है दोनों में, और इसमें आप मैगसेफ एक्सेसरीज भी लगा सकते हो बैक साइड में, काफी सही रहता है वो भी, 13 में भी वैसे लगी जाती है। और चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो 30 मिनट में 50% चार्ज होता है, 1 आवर ले लेता है ये फुल चार्ज होने में, और आईफोन 13 में भाई सेम ही टाइम लेता है चार्जिंग के लिए, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, एप्पल की 20 वॉट वाली फास्ट चार्जिंग मिलती है। इवन यहाँ पर आईफोन 15 में भी आपको सेम ही चार्जिंग स्पीड मिलती है, 50 मिनट में 30% चार्ज। और बाकी सेंसर की बात करूं, जितने इंपॉर्टेंट सेंसर होते हैं ना वो सभी मिल जाएंगे आपको इसमें, जायरोस्कोप हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ड्यूल एम्बिएंट लाइट सेंसर हो गया, इस तरह से सेंसर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है 13, 14 और 15 में, बट हाँ आईफोन 13 से थोड़े बेटर सेंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे 14। तो गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन की, 2024 में लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। गाइस नो डाउट आप जा सकते हो इस फोन की तरफ अगर आपको अच्छी डील मिल रही है ना, अगर आपको ये 60,000 से नीचे मिल रहा है तो मैं इसे बेस्ट डील कहूंगा, अदरवाइज आप आईफोन 13 की तरफ चले जाना, वहां पर आपका पैसा बच जाएगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें। और अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हो ना, जैसे 5-6 साल तक यूज करना, तो आईफोन 15 की तरफ जाना, वहां पर काफी कुछ अपग्रेड है, डिस्प्ले वगैरह बढ़िया है, बैक पैनल बढ़िया है, और भी काफी सारे एडवांटेज है 15 में। तो आईफोन 13 और 14 में कंफ्यूज हो, पैसा बचाना है तो आईफोन 13 तरफ चले जाना, और अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है ना आईफोन 13 से तो आप आईफोन 14 तरफ चले जाना। और कलर्स को लेकर भी आप कंफ्यूज रहते हो, काफी कमेंट्स आते हैं, तो मैं ये कहूंगा अगर ग्लोसी बैक वाला बैक पैनल है तो लाइट कलर सही रहते हैं, फिंगरप्रिंट्स थोड़े दिखाई नहीं देते हैं, डार्क कलर का लेते हो जैसे ब्लैक ले लिया तो फिंगर्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, फिर फोन अच्छा नहीं लगता है। और केसेस के बारे में पूछते रहते हो कौन से केस आपको अच्छे लगते हैं, तो एक टोटम हो गया और दूसरा केस चिन्ह हो गया, ये मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली क्योंकि फोन सेफ रहता है, मैं भी यूज करता हूं, इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपके लिए अच्छा रहे, आप जो भी आईफोन लेने की सोच रहे हो जो भी मॉडल आपके पास है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। बाकी गाइस फोन बढ़िया है 2024 के लिए भी, आप इसे ले सकते हो, 5 साल की एप्पल अपडेट देता ही है तो आगे आने वाले काफी टाइम तक आपको अपडेट्स भी मिलेगी, 2027 तक तो आपको अपडेट मिलती रहेगी इस फोन में आईफोन 14 में, और उसके बाद भी एप्पल देता रहता है, वैसे 5 साल एप्पल कहता है बट 5 साल के बाद भी अपडेट्स देता रहता है 1-2 साल और। और गाइस इसकी माइक क्वालिटी और स्पीकर्स की बात करूं ना, बहुत जबरदस्त है, कॉलिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से बात हो जाती है, और ऑडियो के आउटपुट में आपको सुना देता हूं, बहुत लाउड है स्पीकर, बढ़िया है। ऐसी थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो ना तो फैन कॉल ऐप आप डाउनलोड करके वहां पर एक स्लॉट बुक करके मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बता सकते हो आप किस टॉपिक पर लेके आए, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं ये आपके कमेंट्स पढ़कर ही मैं लेके आता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।